वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व कर रहे हैं अब हम नाइन्थ क्वेश्चन पर हैं एंड क्वेश्चन इज टू स्टिच ए शर्ट टू मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ्स यानी कि एक आ, शर्ट को सीलने में दो मीटर पंद्रह सेंटीमीटर कपड़ा लगता है चालीस मीटर कपड़ा उसके पास था एंड हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन कितनी शर्ट्स फोर्टी मीटर में से सिलेंगी और कितना कपड़ा बचेगा ये क्वेश्चन है हमारा सोल्यूशन प्रपोज किया हमने क्लोथ नीडेड टू ए शर्ट क्लोथ चाहिए एक कपड़े को सिलने में कितना टू मीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर तो हम इसको कन्वर्ट किया हमने सेंटीमीटर्स में बिकॉज हम हमारे पास छोटी यूनिट की वन है तो हम प्रेफर करते हैं हम छोटी यूनिट में ट्रांसफर करें डाटा को तो टू मीटर इज इक्वल टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर सो वी कैन एड दिस फिफ्टीन सेंटीमीटर इन टू दिस एंड देन वी कैन गेट टू हंड्रेड फिफ्टीन सेंटीमीटर टोटल क्लोथ कितना है हमारे पास फोर्टी मीटर सो वन मीटर इज इक्वल टू वट हंड्रेड सेंटीमीटर सो वी कैन राइट इट फोर थाउजेंड सेंटीमीटर्स

रिमेन विद अस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं वन थर्टी सेंटीमीटर को वन मीटर एंड थर्टी सेंटीमीटर टेंथ क्वेश्चन जो हमारी वन पॉइंट टू में है दैट इज मेडिशन इन ए पैकेटेड पैकेट इन बॉक्सेस। मेडिशन को पैकेट में पैक करना है और ईच वेटिंग फोर किलो एंड फाइव हंड्रेड ग्राम जो मेडिसिन को हम पैक करेंगे उसका वेट है इतना एंड हाउ मैनी टाइप के कितने लोड किए जा सकते हैं किसी वैन में विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड एट हंड्रेड किलो जो वैन है वो एट हंड्रेड किलो से ज्यादा कैरी नहीं कर सकती तो हमारे पास जो फोर किलो और फाइव हंड्रेड ग्राम है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज हम प्रेफर करते हैं छोटी यूनिट में जाकर सॉल्व करना सो so दैट के इजिली सॉल्व हो जाए वेट ऑफ ईच बॉक्स इज फोर किलोग्राम फाइव हंड्रेड ग्राम्स सो इसको हमने क्या किया फोर किलोग्राम इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड ग्राम्स प्लस फाइव हंड्रेड ग्राम्स एंड इनको एड किया तो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ग्राम्स आया कैपेसिटी ऑफ वैन कितनी है एट हंड्रेड किलोग्राम तो इसको ग्राम को हमें किलोग्राम में बदला तो हम क्या लिखेंगे इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे सो so, ये आया एट लैक ग्राम्स सो बॉक्सेस कैन बी लोडेड इज इक्वल टू वट जो हमारे पास टोटल कैपेसिटी है और एक बॉक्स का जितना वेट है उससे उसको हम डिवाइड करेंगे देखिए बच्चों दिस इज द रफ वर्क कि हमने एट लाख को फोर्टी फाइव हंड्रेड से डिवाइड करके दिखाया आपको और हमारे पास वन सेवेंटी सेवन बॉक्सेस आ गए जो कि गाड़ी में रखे जाएंगे सो दिस इज आर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेवेंथ क्वेश्चन और इसमें क्या है द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस एक विद्यार्थी के घर में और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना है वन किलोमीटर एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव मीटर इतना डिस्टेंस है एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे यानी कि एक साइड का जो डिस्टेंस है वो इतना है अगर वो एक बार सुबह स्कूल जा रही है और फिर वो स्कूल आएगी तो टोटल डिस्टेंस इसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें क्योंकि बोथ वेज का डिस्टेंस डबल हो जाएगा फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन सिक्स डेज पहले हमें एक दिन का डिस्टेंस कवर करना निकालना पड़ेगा तो so, सोल्यूशन क्या प्रपोज किया हमने बच्चों द स्कूल एंड द हाउस कितना दे रखा है वन किलोमीटर एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव मीटर हमें छोटे यूनिट में जाना है तो एक किलो मीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया किलो मतलब थाउजेंड सो वे राइट वन थाउजेंड मीटर प्लस एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव मीटर दोनों को एड किया तो हमारे पास 1875 मीटर्स आए एवरी डे सी वॉक्स बोथ वे तो हमने कहा था दो उसको हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो एक बार तो घर से स्कूल जा रही है और फिर वापस भी आ रही है तो वो सेम डिस्टेंस कवर करेगी तो टोटल डिस्टेंस ए डे आया थ्री मीटर्स टोटल डिस्टेंस शी कवर्ड इन नेक्स्ट सिक्स डेज इज इक्वल टू उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो एक दिन में डिस्टेंस आया सिक्स से बिकॉज हमें सिक्स डेज का डिस्टेंस निकालना है तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर्स अब क्योंकि uh, ये डिजिट uh, हम इसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे बिकॉज दिस डिजिट इज हायर देन वन थाउजेंड सो हमने क्या किया के इसको समझाने के लिए हमने क्या किया ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड को हम एक से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वन मीटर इज इक्वल टू वट वन मीटर इज इक्वल टू वन बाय थाउजेंड किलोमीटर्स सो हमने इसको वन बाय थाउजेंड किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया और मीटर कैन बी कन्वर्टेड इन टू वन किलोमीटर सो मल्टीप्लाई करने के बाद वील लैंड आंसर तीन तीन आपके पास जीरो हैं तो तीन के बाद डेसीमल लगाना है ये हमने डेसीमल लगाया सो विल हैविंग द आंसर ट्वेंटी टू 5 kilometers. So this is the answer of this question. Next part of the question is, sorry, next part of the exercise is twelfth uh, question, last question. A vessel has four liters and five hundred milliliters of curd. Curd? What is it? एक वैसल के अंदर चार लीटर और 500 सौ मिली लीटर दही रखी हुई है इन हाउ मैनी ग्लाइव एम एल एक ग्लास ट्वेंटी फाइव एम एल का है जिसकी कैपेसिटी गिवन है तो कितने ग्लासेस भरे जाएंगे कैन बी फिल्ड सो दैट इज द क्वेश्चन तो हमने क्या निकालना है छोटी यूनिट में जाना है कर्ड इन वेसल कितना था फोर लीटर फाइव हंड्रेड मिली लीटर सो so फोर लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं थाउजेंड सो फोर थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड विल बिकम फोर था बच्चों so, जो हमारे पास मिली लीटर था और टोटल हमारे पास ग्लास की कैपेसिटी थी उससे हमने डिवाइड कर दिया कि ट्वेंटी फाइव मिलीग्राम के कितने ग्लासेस फिलअप होंगे सो so, ये हमने रफ वर्क भी यही दिखाया है तो हम इसको डिवाइड करेंगे सो so, 180 ग्लासेस, सो वन एटी ग्लासेज फिल किए जाएंगे ऑफ ईच ग्लास ऑफ ट्वेंटी फाइव मिली लीटर बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज uh, के एग्जाम्पल करेंगे 1.3 पॉइंट थ्री एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा हमें मोटिवेशन आपका चाहिए आगे वीडियोज बनाने के लिए